मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से कहा है कि मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान किया जाए। देहरादून में राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंध समिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मत्स्य पालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा से जोड़ा जाएगा। इसमें मत्स्य पालक, मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य अभिकरण का योगदान होगा। बीमा कवर के अंतर्गत ट्राउट सहित सभी मछलियों की प्रजातियों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बैठक में डैम, तालाब और हैचरी पर सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी लगाने का निर्णय भी लिया गया है। सभी मछलियों पर जो है इंश्योरेंस क्लेम होना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उसके लाइफ स्टॉक के संदर्भ में हो, दोनों किसी जिस किसी संदर्भ में भी इंश्योरेंस कंपनी तैयार होती हो उसके साथ हम अनुबंध करें। आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड शायद पहला ऐसा प्रदेश बनेगा जहाँ लाइफ स्टॉक से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है मत्स्य पालकों को इंश्योरेंस जो है वह मिल पाएगा, जिसमें हमने 3 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें मत्स्य पालक का कितना अंशदान होगा, जिसमें विभाग या अभिकरण कितना अंशदान देगा और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कितना क्लेम और उनका हो पाएगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रजाति को डेनमार्क से मंगाया जाएगा। सभी जिलों में मछली मंडी बनाई जाएगी। उधम सिंह नगर और रुड़की में मत्स्य मंडी पहले से ही है। देहरादून, हरिद्वार सहित अन्य जनपदों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। हमने डेनमार्क से जो है ट्राउट का आइडोवल आने के जो है वो निर्णय हुआ है, जिसके लिए बोर्ड की सहमति बन गई है और मैं समझती हूँ कि अच्छे बीज ट्राउट के जो है हमारे मत्स्य पालकों को मिल पाएगा, जिससे निश्चित रूप से ट्राउट में अत्यधिक उत्पादन जो है हम देख सकेंगे। इसके अलावा मछली मंडी का भी हम लोग आने वाले समय में जो है वो शुभारम्भ करने जा रहे हैं। एक मंडी हमने रुड़की में मछली मंडी का शुभारम्भ किया था।